कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 से कम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया है, तो यहाँ पर हमें सम का फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ, क्या लिखेंगे काउंट, काउंट तो काउंट करेगा और इफ कंडीशन के हिसाब से काम करता है, तो ये लगा दिया हमने। अब ये छोटी सी रेंज हमने सेलेक्ट की, आपके पास बहुत बड़ी रेंज है तो आप उसको भी कर सकते हैं सेलेक्ट। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है सिंपली। ठीक, अब हमको पता करना है कि छोटा हो तो ऐसा नंबर बताइए जो 10 से छोटा हो, किससे छोटा हो, 10 से छोटा हो। तो बस ये करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है कि डबल इंटेड कॉमा में ये रहेगा, तो यहाँ पर डबल इंटेड कॉमा जरूर लगाइएगा और यहाँ पर बंद भी जरूर कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा। तो ये बता रहा है कि एक ही नंबर ऐसा है जो 10 से छोटा है। देखिए 10 से छोटा एक ही नंबर है, ये 9 दिख रहा है आपको, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे नए कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 9 एक ही नंबर है जो 10 से छोटा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं काउंट, अपने हिसाब से आप कंडीशन लगाइए और यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे लगा काउंट इफ, लगा लिया। अब इसी रेंज में हमको ये पता करना है कि 70 से ज्यादा कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 70 से ज्यादा, यानी 70 से ज्यादा है, अबव है, कितने नंबर ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगाता हूँ, ग्रेटर देन 70, और डबल इंटेड कॉमा ओपन करना और क्लोज करना दोनों भूलिएगा मत। ठीक है, नहीं तो एरर आएगी। तो ये हो गया, और यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करने पे ये दिखा रहा है कि 4 नंबर ऐसे हैं जो 70 से अबव है। तो यहाँ पे देखिए एक, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो ये आपको काउंट इफ कंडीशन के हिसाब से काम करता है, ऐसे ही आपको ये बता देगा।